नमस्कार दोस्तों, आपके इस यूट्यूब ऐप पर जो घंटा बना, अगर आप इसको दबा दोगे तो मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। ओके, तो अब एंजॉय करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेन न्यूज़। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बताया कि भारत अंतरिक्ष में निचली कक्षा में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इससे पहले ये क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमने जो नई क्षमता हासिल की है, ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि तेज गति से बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। मोदी ने यह भी कहा है कि यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधि समझौते का उल्लंघन नहीं करता और हम इसका इस्तेमाल 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा और शांति के लिए ही करेंगे। हमारा सामरिक उद्देश्य युद्ध का माहौल बनाए रखना के बजाय शांति बनाए रखना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि यह कदम भविष्य की सुरक्षा के लिए कुंजी साबित होगी। आज की इस सफलता को आने वाले वक्त में भी एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण राष्ट्र के लिए बढ़ते हुए कदम के तौर पर देखना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ें और खुद को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। हमारे वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। ये लाइव सैटेलाइट, जो कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT द्वारा मारा गया है। यह ऑपरेशन मात्र 3 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। मिशन शक्ति एक अत्यंत कठिन ऑपरेशन था जिसमें उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ में हमेशा देता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।